अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी हैंड फ्री सिंपल, उसको हम कन्वर्ट करेंगे ब्लूटूथ हैंड फ्री में। तो आप देख सकते हैं मैंने चार्जिंग मॉड्यूल को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। आप देख सकते हैं कि बैटरी चार्जिंग कंडीशन में है, मॉड्यूल ठीक तरह से काम कर रहा है। ये बैटरी है और ये मॉड्यूल। इस मॉड्यूल की प्राइस मार्केट में 70 से 100 रुपये के दरमियान है। अभी प्राइस अप और डाउन हो सकती है वक्त के साथ। और जो बैटरी है उसकी प्राइस 200 है। ये बैटरी का प्लस है, साथ जहां आउट का प्लस लिखा है साथ के बना है वो लोड का प्लस है, और जहां बी माइनस है वो बैटरी का माइनस है, और जहां आउट माइनस है वहां जी यहां पर लोड का माइनस है। तो अब हमने दोनों बैटरी के साइड्स पे डबल टेप की हुई है। डबल टेप करने का बेसिकली मकसद ये है कि अगर बैटरी चार्जिंग कंडीशन में हो तो मॉड्यूल तो गर्म होगा, तो मॉड्यूल के गर्म होने से बैटरी गर्म ही होगी, इसलिए डबल टेप यूज़ हुई है। और जब हम ब्लूटूथ का मॉड्यूल इस यूज़ करेंगे तो ब्लूटूथ का मॉड्यूल गर्म होगा लेकिन उससे बैटरी गर्म नहीं होगी। ब्लूटूथ मॉड्यूल की प्राइस मार्केट में 120 से 140 के दरमियान है। अब हमने मॉड्यूल को लोड की माइनस और लोड के प्लस के साथ कनेक्ट करना है ब्लूटूथ मॉड्यूल को। और आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है और उसके साथ हमने एक बटन कनेक्ट किया है। हमने मॉड्यूल के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पहले स्विच के साथ कनेक्ट करना है, और स्विच के साथ हम वायर को कनेक्ट करेंगे और वो वायर हम फिर लोड के प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं। और अब हम जल्दी से ये प्रोसेस शुरू करते हैं। नेगेटिव वायर को हमने लोड के नेगेटिव से कनेक्ट करना है, और पॉजिटिव वायर को पहले हम स्विच में कनेक्ट करेंगे और फिर स्विच से लोड के प्लस के साथ। बेसिकली लोड के प्लस के साथ कनेक्ट करने का और लोड के माइनस को लोड के माइनस के साथ कनेक्ट करने का मकसद ये है कि जब बैटरी मॉड्यूल सेंस करे कि अपने लिमिट से क्रॉस हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ सर्किट को बंद करवा देगा। इससे हमारी बैटरी जो सी है वो डीपली डिस्चार्ज नहीं होगी और इसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी। और अगर आप इस मॉड्यूल के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जहां बैटरी का लिखा हुआ है अगर आप वहां से लोड उठाएंगे तो फिर आपकी बैटरी की लाइफ कम हो सकती है और आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल टर्न ऑफ नहीं होगा जब बैटरी डिस्चार्जिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ेगी। नेगेटिव वायर को हमने कनेक्ट कर लिया, अब हम पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे। पहले पॉजिटिव को स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर हम स्विच से लोड के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। स्विच के साथ सोल्डिंग करने से पहले अपने ये ख़ास ख्याल रखने के स्विच को ज़्यादा हीट नहीं करना, ज़्यादा हीट करने से स्विच फ्री हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा हीट देंगे तो स्विच फ्री हो जाएगा, स्विच आपका काम नहीं करेगा।
अब हम ये वायर स्विच के प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर हम इसको लोड के प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी हम लोड के प्लस के साथ इसको कनेक्ट करने लगे हैं। हमारी ब्लूटूथ ऑन हो रही है और ऑफ भी होती है क्योंकि साथ सोल्डिंग नहीं हुई। अब हम इसको भी सोल्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं आउट प्लस और साथ ही के लिखा हुआ है। बेसिकली के का मकसद है स्विच, के का मीनिंग ही स्विच है। ये इसका बैटरी का प्लस आ रहा है, ये देखें, ये माइनस, ये कौन सी है वायर, ये वाली, ये प्लस और ये माइनस। प्लस वाली पहले स्विच में जा रही है वायर और फिर स्विच से लोड के प्लस में, और जो माइनस है वो डायरेक्ट लोड के माइनस में जा रही है। ये हमारी हैंड फ्री ब्लूटूथ बन गई है और ये सिंपल हैंड फ्री है। अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं अच्छी क्वालिटी की तो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। अब हम आपको मॉड्यूल चेक करवाते हैं। ये देखें ब्लूटूथ मॉड्यूल जोन सा है और जोन सा ये चार्जिंग मॉड्यूल है, ये दोनों वर्किंग कंडीशन में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि चार्जिंग मॉड्यूल चार्जिंग शो कर रहा है, वायर्स को अपने ठीक तरह से लगाना है ताकि उल्टा लगाएंगे तो इसकी पोलैरिटी खराब हो जाएगी। ये साइज की बैटरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसकी बैटरी टाइमिंग कम थी इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, मुझे ज़्यादा बैकअप चाहिए। ये देख सकते हैं इनका साइज़ इस बैटरी का ब्लूटूथ मॉड्यूल के और चार्जिंग मॉड्यूल के बिल्कुल इक्वल है। ये आप देख सकते हैं मैंने उसको टेप अप कर लिया है। टेप अप करने का मकसद ये ताकि ये फिक्सिंग हो जाए, एक जान बन जाए इसकी। और मैंने लाइट्स को और ब्लूटूथ के एंटीने को टेप अप नहीं किया और स्विच को भी टेप अप नहीं करना, ताकि लाइट्स को इसलिए नहीं किया ताकि लाइट शो हो के चार्जिंग हो गई है या फुल हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं अभी चार्जिंग कंडीशन में है। और एंटीने को अगर आप करेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, आपने एंटीने को भी नहीं करना।